सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत टाइम बाद मैं आज अपना वीलॉग बना रहा हूँ। तो आज के इस वीलॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरी होंडा हाइनेस है। तो बेसिकली मैंने उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं। तो ये मेरी होंडा हाइनेस है, आप देख सकते हैं कि मैं कुछ आपको इसमें चेंजेस दिख रहे होंगे। तो मैं आपको काफ़ी इन डेप्थ मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस कराए और हर चेंज का मतलब कॉस्ट कितना है। तो मैंने थोड़े रीजनेबल मॉडिफिकेशन देख रहा था, मुझे ज़्यादा मतलब शौक़ नहीं है कि हज़ारों खर्च करने का, कुछ ओवर रेटेड लेने का, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जितने मॉडिफिकेशंस बाइक के लिए अवेलेबल है बहुत ही मतलब ओवर प्राइज्ड हैं। अगर आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको पूरा 360 व्यू दे दूं, फ्रंट स्टार्ट करता हूं। पहले आपको दिख ही रहा होगा नकल गार्ड है, फिर साइड में आपको दिख रहे होंगे रिम्स पे थोड़े स्टिकर्स हैं, ठीक है। फिर पीछे आपको, पीछे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, पीछे यहाँ पे यही है बस। तो मेन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले है ये नकल गार्ड्स, तो ये नकल गार्ड्स हैं, पूरे हैंड को कवर करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये प्रॉपर इतनी सेफ्टी के लिए नहीं है, मुझे लुक्स के लिए चाहिए थे तो मैंने लोकल मार्केट्स लगवाए हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट में इसका लुक बहुत प्यारा आता है हाइनेस का। अगर आप अपनी हाइनेस में या फिर CB350 RS में नकल गार्ड लगवाते हैं तो गाड़ी वैसे बल्कि है फ्रंट से, तो ऐसे और बल्कि हो जाती है। साइड से भी इसका काफ़ी अच्छा स्टैंस आता है, और अगर आप राइडर हैं जब आप राइड करते हैं गाड़ी को ऊपर से और मतलब मस्कुलर लुक आता है। अब इसका अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट वाइज़र लगा लूँ या फिर लॉन्ग वाइज़र लगा लूँ जो कि मेरे पास है, तो उससे ये और बेटर हो जाएगा लुक इसका। तब तो मतलब बिल्कुल ही गाड़ी बल्कि लगेगी। और लाइट साइड बाई साइड मैंने यहाँ पर एक और चीज़ करवाई है, मैंने यहाँ पर माउंट लगा लिया है फ़ोन होल्डर का, तो ये नेविगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो काफ़ी मैंडेटरी है। और अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने पीछे यहाँ पे ये लगाया है, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ रोप। जो सैडल स्टेज आते हैं होंडा के स्टॉक होंडा हाइनेस में, मैंने उसमें ही यहाँ पर रबर की रस्सी लगवाई है, तो इससे मतलब प्रेजेंस और बेटर हो जाता है। पीछे से अगर आप देखेंगे, पीछे से गाड़ी और थोड़ी मस्कुलर लगती है, क्योंकि होंडा में यही एक बात लगती है हाइनेस में कि गाड़ी बहुत प्यारी है लेकिन इसका जो लुक है ना, ये पीछे से थोड़ा बहुत सिंपल है। थोड़ा हाइनेस को हम लोग यही रस्सी डाल के थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं ताकि सब थोड़ा और बल्कि लुक आए। CB350 RS का लुक बल्कि है, और जो CB350 है नई वाली वो जो पीछे खड़ी है उसका लुक भी बल्कि है, लेकिन बट इसका नहीं है। तो इसका मैंने यहाँ पर रस्सी लगाई है तो इससे थोड़ा लुक उभर के आता है, बल्कि लगती गाड़ी। और मैंने यहाँ पर भी आगे रस्सी लगाई है, आप देख सकते हैं जो होंडा का स्टॉक लेग गार्ड है या फिर क्रैश गार्ड आप बोले, ये बहुत पतला सा है, तो उसको मतलब थोड़ा बल्कि करने के लिए मैंने इसमें मतलब मोटी रस्सी लगाई है। सेम गोस फॉर यहाँ, मैंने यहाँ भी रस्सी लगाई है, तो अब साइड से पूरा ऐसे लुक आता है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे रिम्स पे स्टिकर लगवाए हैं थोड़े, ये स्टिकर मैंने मैनुअल लगवाए, लाइक जो रेड कलर के पूरे आते हैं वो मैंने कट करके लगवाए हैं इंडिविजुअल पीसेस। और मैं यहाँ पे MRF का जो MRF के टायर है उसमें मैंने थोड़ा पेंट कराया है, तो ये जब गाड़ी चलती है ना एस्थेटिक लगते हैं काफ़ी, और जब गाड़ी स्टिल खड़ी रहती है तब तो और मतलब प्यारी लगती है। साइड से आप देखें तो साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी ऑथेंटिकेटेड लुक है इसका, देख सकते हैं ये अटेंशन डिटेल, ये पूरा मैंने कट करवाए हैं पीसेस यहाँ पर, फिर कट करवाने के बाद लगाए हैं। तो इट वॉज़ अ टफ जॉब, तो तभी ये थोड़ा महंगा भी था, बट इट वॉज़ वर्थ इट। इससे मतलब गाड़ी अगर सोलो खड़ी है, देखिए इसका ऐसे लुक आता है, लगता है मतलब स्पोर्टी है। इसके बाद यहाँ पीछे मैंने रिम्स पे भी लगाए हुए हैं, पीछे रिम्स में जो MRF का लोगो है काफ़ी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट टायर, तो मतलब तभी यहाँ पर इतना एस्थेटिक लुक नहीं आता। बट जो ये नहीं पीछे रिम्स है इससे टायर और थोड़ा अच्छा लगता है, और जो बेसिकली रेड कलर का है, रेड कलर की मेरी गाड़ी है मेटालिक रेड और रेड कलर के रिम्स हैं, तो एस्थेटिकली और अपीलिंग लगता है ये, प्लस क्रोम भी है इसमें, तो इट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और इस कलर का आना भी है मतलब अब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है होंडा है इसमें रेड विथ क्रोम, तो इट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बाइक। अब मैं आपको हर एक चीज़ का कॉस्ट बता दूँ, तो ये नॉर्मल नकल गार्ड जो मैंने लोकल मार्केट से लगवाए हैं ये ऑलमोस्ट मेरे को 500 के पड़े थे। फिर ये जो रस्सी है ये
और ये तो बेसिकली आई थिंक मेरे को 150 की ईच पड़ी थी, 150 किए, ठीक है। और फिर मैंने जो ये रिम्स में स्टिकर लगवाए हैं, ये रिम्स के स्टिकर भी मेरे को ऑलमोस्ट 200 के पड़ गए थे इंक्लूडिंग द लेबर चार्ज। और ये जो MRF का पेंट है ये मैंने खुद किया है, तो इट्स वर्थ इट। तो ऑलमोस्ट सब मिला के कितना खर्चा आता है, 500 का ये, 300 के दोनों रोप्स, 800 एंड स्टिकर ऑलमोस्ट 1000 एंड तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1000 सब कुछ आ गया। और अगर अभी ये इसकी बात करें कि मेटल का है फ़ोन होल्डर, तो ये भी ऑलमोस्ट मेरे को पड़ गया था 400 का, तो इट्स वर्थ इट। लाइक ऑलमोस्ट 1400-1500 में काफ़ी कुछ मैंने मॉडिफाइड कर दिया गाड़ी को, एंड आई थिंक गाड़ी काफ़ी एस्थेटिकली अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बाइक। तो एक बार आप बताइएगा आपको मॉडिफिकेशन कैसा लगा, एंड कुछ और आपके सजेशन हो कि मैं अपने बाइक में ये कराऊँ या कुछ चेंज करूँ तो आप बताइएगा, आई विल डू डैट। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, keep fit, be healthy, keep riding, and follow me for more such videos, and follow me on IG. My IG ID is DeepakBiker. Till then, see you in the next video. Bye bye.